के लोग कहते हैं कि बहुत इनजस्टिस है इस दुनिया में, एंड वो लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह कि हमने तो कभी इस कॉन्सेप्ट को देखा नहीं है, तो हाउ कैन वी बिलीव इन दैट, और ऐसे ऐसे वो उस तरह से बोलते हैं. ये बात आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछे कि नो देयर इज अ लॉ ऑफ इनजस्टिस इन दिस वर्ल्ड। चलो एक काम करते हैं, मेरे पास इसके ऊपर एक आंसर एक बात जो मैं बता सकता हूँ सबके लिए, मैं इसका पावर पॉइंट ओपन करके बताऊं और मैं ताकि ये बात सबको समझ में आ जाए। एक मिनट हाँ, चलिए सवाल क्या है हम लोग देख लेते हैं। सवाल ये था कि दुनिया में तो बहुत सारा ये लोगों का जो डिनाय करते हैं ना गॉड, उनके रीजंस में से एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है जहां वो कहते हैं कि हम जो गॉड को इसलिए डिनाय करते हैं क्योंकि दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम उनको दिखता है, दुनिया में इनको इनइक्वालिटी दिखती है। अच्छा. मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये प्रूफ उनका नहीं, ये प्रूफ हमारा प्रूफ है। हाँ मैं कहाँ चला गया, आगे बढ़ गया, फास्ट ट्रेन। चलो ठीक है, देयर सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में इतनी सारी सफरिंग है इसलिए गॉड डजंट एग्जिस्ट। पहले तो मैंने बताया कि उनको इस सवाल का जवाब नहीं भी समझ में आता है तो ये प्रूफ नहीं हुआ गॉड डजंट एग्जिस्ट का, गॉड डजंट एग्जिस्ट का प्रूफ नहीं है ये। तो यहां पे हम ये बताते हैं कि लाइफ इज अ टेस्ट, लाइफ एक टेस्ट है। टेस्ट के अंदर सही ऑप्शन गलत ऑप्शन दोनों होते हैं, सही और गलत दोनों ऑप्शन होते हैं टेस्ट के अंदर। हाँ ओके, एक मिनट होल्ड करें। हाँ तो हम ये देखते हैं कि लाइफ इज अ टेस्ट और सही जवाब भी होता है गलत जवाब भी होता है। अगर वो लाइफ आफ्टर डेथ में नहीं मानते, गॉड में नहीं मानते, तो हम कहते हैं जस्टिस कहाँ है बताओ, जस्टिस कहाँ है बताओ। जो सिस्टर थे वो अनम्यूट है, शकील भाई उनको अनम्यूट ही रखो, वो जवाब दे सकते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह. हाँ जी ठीक है, देखिए यहां पर के ये हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्लाह काला इज़ा बतलई तू अब्दी वी हबी बताई, अगर मैं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीजों से आजमाऊं, दो प्यारी चीजें यानी उसकी दो आंखों के लॉस से, फसबर उस पे वो सब्र करे, अवत तो मिनहुमा जन्ना उसके बदले में अल्लाह उसे जन्नत देगा। अब एक शख्स है जो ब्लाइंड है दुनिया में, वो बगैर रोशनी के, आंखों की रोशनी के बगैर जिंदगी गुजारता है, आप और मैं देख सकते हैं वो बगैर आंखों की रोशनी के है, इस तरह से वो जीता है। तो और उस पर सब्र कर ले, ईमान के साथ जिंदगी गुजारे, उसका कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। आपको और मुझे तो बहुत नेकियां करनी पड़ेगी जन्नत जाने के लिए, वो उसी चीज पे सब्र करे तो दिस इज इनफ टू टेक हिम टू जन्नत। हाँ अब हमारे पास ये आंसर है, अब उनके पास एथियस्टिक व्यू क्या है, हमारे पास क्या आंसर है कि ये जो शख्स जो तकलीफ में है वो उस पर सब्र करेगा उसको जन्नत जाएगा, ईमान के साथ जिंदगी गुजारेगा जन्नत जाएगा। इससे क्या पैदा हो रहा है, क्या थॉट पैदा हो रहा है बताइए, जो क्वेश्चनर है मौजूद है वो यहाँ पर, शकील जी भाई आप मौजूद बताओ है, इससे क्या मौजूद फीलिंग है. पैदा हो रही है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पॉजिटिविटी फील हो फीलिंग्स, रही है इसमें। पॉजिटिव, हाँ सुपर पॉजिटिव. और आपको होप उम्मीद दिख रही, उम्मीद ना उम्मीदी नहीं है, थोड़ी उम्मीद. सी जिंदगी है, मैं ब्लाइंड हूं, आगे मैं सब्र करके गुजार लूं मुझे हमेशा की जन्नत मिलेगी और क्या बेहतर है। लेकिन एथिस्टिक व्यू होगा तो बोले कोई रिकम्पेंसेशन नहीं, सिर्फ सफरिंग, सिर्फ सफरिंग, तुम सिर्फ परेशान जियोगे, तुम्हारे पास कोई बदला नहीं है, कोई रिप्रेस कोई कोई वो नहीं है, और डिप्रेसिंग, बिल्कुल डिप्रेसिंग बात है कि कोई सफरिंग नहीं, बस सफरिंग सफरिंग और कोई उम्मीद नहीं है ये व्यू के अंदर। हमारे पास आंसर है उल्टा, ये तो दलील हमारी दलील है, ये तो दलील उनकी दलील नहीं है, ये तो हमारी दलील है, सुभान अल्लाह। तो ये कैसा मामला है कि जैसे एक डर्टी अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, जैसे आप ये देखो ये जो पहला ब्राउन फोटो देख रहे हो अनप्लेजेंट दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ना ये मैंने खुद लगाया है, जो नीचे वाले ब्यूटीफुल पिक्चर है ना उसका जूम इन करके मैंने वो ब्राउन पिक्सल लगाया है। तो कभी कभार कुछ डिफिकल्टीज होती है, हम सिर्फ पिक्सल देख रहे हैं, वो लग रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जब फुल पिक्चर देखते हैं ना तो मालूम पड़ता है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ फुल पिक्चर देखते हैं तो रियल बात पता चलती है। कई बार क्या होता है ना, ये आजमाइशों से ना दुनिया की हकीकत पता चलती है, नहीं तो बहुत से लोग है ना इसकी चमक धमक के अंदर है ना गुम हो जाते हैं, इसको सब कुछ समझते हैं, ये उनका जीना मरना सब कुछ इज दिस वर्ल्ड, चमक धमक। तो अल्लाह ने जी कुरान में बताया वमल हया तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान, धोखे का सामान है। तो ये क्या है ना एक साइका एक कॉग्निटिव प्रॉब्लम है जिसको क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिसिज्म, जिसके अंदर क्या होता है उनको ऐसा लगता है कि उनका नजरिया ही सही नजरिया है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा नजरिया ही सही नजरिया है, कोई और नजरिया ही नहीं है। तो यहां पर समझना क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि सेकेंड लेवल ऑफ गुड फर्स्ट लेवल ऑफ इविल के बाद आता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, क्लिफ आई तो तकलीफ से आदमी ने सब्र किया, हाँ खौफ आया
खौफ आया तो बहादुरी पैदा होती है, मतलब बहादुरी पैदा होती है। और फेलियर आया, फेलियर किसको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हम्बलनेस पैदा होती है। हाँ, और जो पेन को देखते हैं, दर्द और तकलीफ को देखते हैं, उससे क्या होता है, कंपैशन पैदा होता है। लेकिन ईविल भी पैदा होता है, अगर खौफ आया तो हो सकता है कोई बुजदिल बन जाएगा, तकलीफ आई तो हो सकता है किसी के नजर बेसब्री होगी, फेलियर है, कोई डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये सेकंड लेवल ऑफ गुड एंड ईविल कहां से आता है, फर्स्ट लेवल ऑफ ईविल के बाद आता है, तकलीफ के बाद, जो बुरा नहीं लग रहा है, हमें बुरा लगता है, लेकिन वो हकीकत में हमारे लिए अच्छा है बुरा है, वो हमारे रिएक्शन से तय होगा। हाँ, रिएक्शन से तय होगा। तो हम देखते हैं, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अर्थक्वेक के बाद कितना है, अर्थक्वेक से कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बात इसलिए बताई क्योंकि बाज लोग इसे शिकायत के तौर पे रखते हैं कि अल्लाह ऐसा करता है, ऐसा करता है। हालांकि ये सवाल, ये खुद हमारे प्रूफ्स में से है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के प्रूफ्स में से है, ना कि नॉन एग्जिस्टेंस के प्रूफ्स में से है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिला होगा इंशाल्लाह।